उपमंडल कांगड़ा के अधीन गजखड़ किनारे लंच के समीप सिंबल बल्ला क्रशर नियमों को ताक पर रखकर चल रहा है। क्रशर से निकलने वाले गंदे पानी को स्टोर करने के लिए टंकियों का भी प्रावधान नहीं है और क्रशर के गंदे व जहरीले पानी को सीधे खड्ड के पानी में ही मिला दिया जा रहा है। क्रशर द्वारा सुबह से लेकर देर रात तक जेसीबी लगाकर सरेआम खनन किया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को चपत लग रही है। क्रशर मालिक की मनमानी से गजखड़ किनारे स्थित गांव के लोग काफी परेशान होते हैं। बुद्धिजीवियों ने कहा कि मटमैला पानी होने के कारण उसका उपयोग पशुओं को पानी पिलाने में भी नहीं होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल, एसपी कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा से मांग की है कि क्रशर मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, इसमें ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी आज ही प्राप्त हुई है, मेरे ध्यान में ऐसा नहीं था पहले। आप इसके बारे में आपने ध्यान में लाया है तो मैं संबंधित पंचायत से और बाकी विभागों से कोऑर्डिनेट करके इस बारे में जरूर पता करूंगा और उचित कार्यवाही जरूर होगी। सर, ऐसा है कि इनकी एनओसी है लंच पंचायत की, और जो भी खनन करते हैं रूपलाड पंचायत में करते हैं। हमने कई बार इनको बोला भी है कि आप निशानदेह लो, अपना एरिया में खनन करो, वो मानते नहीं है। मैंने कई बार कंप्लेंट भी करी, पिछले साल भी हमने बंद करवाया था इसको, फिर भी उन्होंने चला दिया। ना इनके पास कुछ है ना कुछ, ऊपर बंदा बिठाते हैं, जब कोई जाता है तो फोन कर देता है, मशीनें निकाल लेते हैं घर से। मैंने इसके लिए कई बार हमने इनको बोला कि आप निशानदेह ले लो, जहाँ आप कह रही है वहीं खनन करो, मानते नहीं है। और दो स्कीमें लगी हुई है, 2 करोड़ की एक नई स्कीम की लग रही है, एक पहले लगी हुई है। मैंने ऊपर टांग दिया, अब नीचे से जमीन उखाड़ लेंगे तो ऊपर स्कीमें क्या करेंगी। पानी भी जो है, पानी बहुत गंदा, आपने देख ही लिया होना क्या हालात है पानी की, पीने लायक नहीं है। हम तो सरकार से यही करेंगे, या तो इसको बंद कराया जाए या इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए, जो इनकी जमीन हो उसमें खनन करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।